जय श्री कृष्णा मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल की सुंदर सी पीताम्बर वाली पोशाक बनाना सिखाऊंगी। तो ये मिली है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल से। मैंने पिछले वीडियो में इनका पूरा आई मेकअप दिखाया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हम इनकी सुंदर सी ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का कॉटन वाला कपड़ा लिया है, जो कि बहुत नेट से थोड़ा सा नेट जैसा होता है, बट नेट से थोड़ा ज़्यादा कड़क सा होता है। और इसके लिए हम इसे ले रहे हैं 65.5 सेंटीमीटर। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो 6 नंबर वाले हैं, और इनकी जो रेडीमेड ड्रेस आती है मैंने पहले उससे मेज़र कर लिया था कि कितना घेर चाहिए। अगर आपके लड्डू गोपाल दूसरे साइज़ के हैं तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। उनकी जो रेडीमेड ड्रेस है उससे आप पहले घेर नाप लीजिए, और बाकी का पूरा प्रोसेस आप मेरे वीडियो से फॉलो कर लीजिए और आप भी सुंदर ड्रेस बना पाएंगे। तो मैंने इस कपड़े को डबल कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सुंदर सी लेस भी सिलेक्ट कर ली है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। इसे मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो पहले मुझे इसके किनारे पर सिलाई लगानी पड़ेगी, जो भी खुले किनारे हैं, और मैं यहाँ पे मशीन से इसके तरफ एक सिलाई लगा लूँगी ये कुछ इस तरीके से, और फिर हम इसे उल्टा कर लेंगे। एक पॉकेट बन जाएगी और फिर हम इसे उल्टा कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे मशीन से सिलाई ली है। चलिए इसे उल्टा फेर लेते हैं। और इस ट्रिक से क्या होगा कि जो धागे के पतले पतले बारीक बारीक धागे निकलेंगे सिलाई के, वहाँ वो नहीं दिखेंगे। तो ये हमने इसे उल्टा कर लिया है, और जहाँ हमने यहाँ पर स्टिचिंग ली थी यहीं पर हम लेस लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले इसे आयरन घुमा दीजिए, जिससे कि एकदम बढ़िया सा इसके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी, और फिर इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो मैंने तो यही ट्रिक अपनाई है, इसके ऊपर आयरन घुमा दिया, और ये देखिए एकदम सेटल हो गया है। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे लेस, वो भी मैं मशीन की हेल्प से लगाऊंगी। हाथ से भी लगा सकते हैं, बट उससे मजबूत नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सिलाई ले ली है मशीन से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, बस ये बहुत ईजी है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड फ्रिल बनानी है। तो प्लेट्स कैसे लेनी है ये आप वीडियो में देखिए। इस तरह से कुछ कपड़े को इस तरह से उठा करके आगे वाली प्लेट्स पे ऐसे प्लेस करते जाएंगे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्लेट्स आप हाथ से सिलाई ही करें। उसके बाद आप स्टिचिंग चला दें, एक बार कच्ची सिलाई ले लें, उसके बाद आप स्टिचिंग कर दें, तो आपकी प्लेट्स बहुत ही सुंदर और एक जैसी बनेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसे फ्लोर पर रख के और इस तरह से स्टिच करते जाइए। तो इस तरह से मैंने इसे पूरी स्टिच कर ली है, और देखिए इस तरह से दिख रही है। तो मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही है गोलाई, इसलिए मैंने एक बार और नीडल से सीधा सिंपल टाका लिया है और इस तरह से फ्रिल बनाई है लास्ट तक, और इसे मैंने खींच दिया है जिससे इसका जो ऊपर वाला सर्कल है वो थोड़ा और छोटा हो गया, और फिटिंग अच्छी आ जाएगी इससे। तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ी सी ये पास पास हो गई है, तो ये हमारा घेर तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पे जो इसके साइड से दिख रहे हैं कॉर्नर, उसके ऊपर इस तरह की लेस से पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से या मशीन से कैसे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने गोल्डन कलर की ली है, क्योंकि हमारे नीचे जो लेस लगी है वो भी गोल्डन कलर की है। और इस तरह से मैंने इसे स्टिचिंग कर लिया है हाथ की सुई की मदद से, दोनों तरफ कर लेंगे सेम। और फिर हम इसके बाद बनाएंगे इस ड्रेस की चोली। तो ये देखिए एकदम रेडी है। चोली बनाने के लिए हमें इस वापस बचा हुआ कपड़ा लेना है, 4 सेंटीमीटर डबल चौड़ा, और इसे काट लेना है इस तरीके से। ऐसे हमें 2 काटने हैं। फिर से मैंने उस ड्रेस से मेजरमेंट कर लिया था, और वो 10 सेंटीमीटर का था लंबा उसका चोली का साइज़। तो मैंने इस कपड़े को भी उतना ही कटिंग कर लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट देना जो सिलाई में चला जाएगा। तो इसे भी हमें पहले की तरह से फोल्ड करना है, और दोनों तरफ हम वो पतली वाली लेस लगा लेंगे। तो सिलाई करके इसे वापस उलट लेंगे जैसा हमने पहले घेर में किया था। उलटने के बाद देख सकते हैं हम इसे इस तरह से उलट ले रहे हैं, और उलटने के बाद दोनों तरफ पतले वाले गोटा बोलते हैं जिसे, उसे लगा देंगे हाथ वाली सुई की मदद से इस तरीके से।
और आप चाहें तो कोई और लेस भी लगा सकते हैं, जैसे जो घेर में यूज़ करी है उससे आप आस्तीन की तरफ लगा सकते हैं, तो उससे और हैवी ड्रेस बन जाएगी। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे हमें दो स्टिच करना है और फिर दोनों को बीच में से थोड़ा सा स्टिच करना है, तो उससे हमारा एक चोली वाला पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने दोनों को इस तरह से लिया है, बीच में से 2 सेंटीमीटर तक जोड़ दिया, और ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक चोली का रूप ले लेगी। तो सबसे पहले जहाँ हमने जॉइंट लगाया है दोनों को, उसे हम इस केयर में ऐड करेंगे। तो चलिए इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे सुई की मदद से यहाँ पे इसे पहले सेंटर में रखेंगे, इसे जोड़ना चालू करेंगे। पहले इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से रखते हुए, और ये इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे जो फ्रिल्स है उसे एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे कम ज़्यादा हो रही हैं उसे सब एक जगह कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे लगाना स्टार्ट कर दिया है, अपनी जो सिलवटें हैं अपनी जो प्लेट्स हैं उनको अरेंज करते हुए, और फिर जो आगे वाला पोर्शन था उसे भी इस तरीके से आगे की साइड जॉइन कर दिया है। तो इस प्रकार हमारी ये सुंदर सी प्यारी सी कृष्णा जी की पोशाक रेडी हो गई है, और ये सबसे आसान तरीका था इस ड्रेस को बनाने का। तो हम इसे एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं। लड्डू गोपाल को पहना कर सबसे पहले जो नीचे रखा हुआ हाथ होता है वहीं से पहनाना चाहिए, ताकि आपको पहनाने में दिक्कत ना आए, और फिर ये लड्डू वाले हाथ में इस तरह से पहना सकते हैं। और आप चाहें तो ज्वेलरी बेल्ट्स वगैरह लगा करके इसे और डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा फिटिंग देने के लिए इस तरह से एक बेल्ट बांध दिया है फ्लावर वाला। तो ये देखिए हमारे छोटू की ड्रेस तैयार है लड्डू गोपाल की, और ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो जन्माष्टमी पर आप भी अपने हाथों से बनाइए अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी ड्रेस, और आप सभी को जन्माष्टमी की पूर्व में ही शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको इनकी पगड़ी जो आपने शुरू में देखी होगी वीडियो के स्टार्टिंग में, और झूला बनाना सिखाऊंगी।